Hello everyone, my name is Sarpe, and welcome back to Another Case Study with me. First of all, I wanna say that happy new year. I hope each and every one of you achieve whatever you want this year. And I will also pray that all of you will be happy this year. And before starting this video, for the last time, I just want to thank everyone. last week, UPI pay donate. Seriously, thanks a lot, you guys. It was really awkward to ask for donations, but all of you came through and I cannot thank you guys enough, seriously. But I'm gonna stop putting these UPI name in my videos.

क्योंकि वह पुलिस से एक सांप की तरह फिसल कर रेंग कर भाग जाता था बट डू वी नो वाई हेडेड ऑल ऑफ दिस एंड उसके पीछे इन चोरी और क्राइम का सच एक्चुअली क्या था चार्ल्सराज so जिसका असली नाम था हो चंद भवानी was born on 6th April, 1944 इन साइगोन उसके डैड इंडियन थे एंड उसकी मॉम वियतनामीज़ थी एंड उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के सीधा बाद प्यार हो गया था एंड दे हैड सोबराज पर उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी सोबराज के पैदा होने के बाद उसके डैड ने उसे पालने से मना कर दिया था और उसकी माँ और सोबराज को छोड़कर उसके डैड वापस इंडिया आ गए इस समय फ्रेंच लोग वॉर पर थे तो अपने बेटे को और अपने आप को सेफ रखने के लिए सोबराज की मोम ने एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से शादी कर ली जिसके थ्रू सोब्राज को एक भाई भी मिला था पर सेम अपने डैड की तरह सोवराज के स्टेप फादर ने भी उसे निग्लेक्ट करा और अब उसकी मॉम भी अपने नए पति और छोटे बेटे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी तो उसे काफी निग्लेक्ट फील हुआ सोवराज को बचपन से यही पता था कि उसके रियल फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते है वरना वो उसे वियतनाम में छोड़ के क्यों जाते हैं बट एट लीस्ट ही इस फ्रेंच लिफ्टेनेट के आने के बाद चार्ल्स को उसके नए स्टेप फादर पर बहुत गुस्सा आया एंड वो उन्हें ब्लेम करने लगा कि तुमने हमारी फैमिली खराब की है तुमने मेरी मोम को मुझसे दूर करा है शादी के बाद सोबराज की मोम ने इस फ्रेंच लुफ्टेन्ट के साथ फ्रांस मूव करा एंड दैट्स हाउ चार्ल्स हिज फ्रेंच सिटीजनशिप सोबराज छोटे से ही काफी शरारती था ये चीज तो क्लियर है कि उससे अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था एंड सोबराज को उनसे कोई होप भी नहीं थी कि दे गॉट माई बैक छोटी उम्र से ही सोबराज चोरी और पेटी क्राइम्स करने लगा और ऐसी ही एक छोटी छोटी चोरी करते हुए वो पकड़ा गया और बर्गलेरी के केस में 1963 में 1963 चार्ल्स को जेल के अंदर कर दिया गया सात महीने के लिए इवन दो ही पुट बिहाइंड और यहाँ चार्ल्स फीलिक्स दी एस्कोग्ने से मिला जो कि एक प्रिजन वॉल्टियर थे और कैदियों को पढ़ाई और प्रिजन में काम करवाते थे चार्ल्स फीलिक्स से काफी इम्प्रेस हो गया था जेल से निकलने के बाद चार्ल्स फीलिक्स से कहीं बार मिला फीलिक्स काफी अमीर था और जेल में आने जाने की वजह से वो काफी ज्यादा अंडरग्राउंड गैंग मेंबर्स को भी जानता था एंड बिकॉज फीलिक्स वाज़ सराउंडेड काइंड दिस पीपल तो चार्ल्स भी उन्हीं के साथ घुल मिलने लगा नाइनटीन में इन ही एक गैंग मेंबर से मिलते हुए उन्होंने चार्ल्स को परखने की सोची चार्ल्स को उस समय इन अंडरग्राउंड गैंग्स को ज्वाइन करना था तो चार्ल्स को टेस्ट करने के लिए एक गैंग मेंबर ने उसे एक जॉब दी जेल से निकलने के बाद और 1970 से पहले भी चार्ल्स चोरी करके स्कैम करके पैसे कमा रहा था पर इस जॉब से मिलने वाला पैसा बहुत बड़ा था और इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा था मे बी दीज गैंग मेंबर्स उन्होंने शायद चार्ल्स के अंदर कोई पोटेंशियल देखी होगी या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग थे तो एक बड़े काम में मे बी वो लोग अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते थे जो भी था उन्होंने चार्ल्स को एक काम करने के लिए कहा और चार्ल्स ने हाँ भी कह दिया और एक गाड़ी को स्मगल करते हुए चार्ल्स एक बार फिर दोबारा पकड़ा गया अब जब ये सब चल रहा था तो चार्ल्स एक पर्जियन लड़की से मिला जिसका नाम था शेंटेल कोम्पगनोन दोनों साथ में ही चीज़ें डिस्कस करते और पहले शेंटेल को पता नहीं था चार्ल्स के असली नेचर के बारे में पर वो इतना हैंडसम था कि जब शेंटेल को चार्ल्स ने सब बताया तब भी वो उसे सपोर्ट करती रही चार्ल्स को अपने गुड लुक्स के बारे में पता था एंड फ्यूचर में भी कहीं बार वो अपने गुड लुक्स के थ्रू कहीं सारी लड़कियों को अपने जान में फंसाता था बट कमिंग बैक टू शेंटेल इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जिस दिन चार्ल्स शेंटेल को शादी के लिए प्रपोज करने आया उस ही दिन पुलिस उसे वहां अरेस्ट करने भी आ गई थी चार्ल्स सोवराज ही हैड बिग प्रिंस तो वो शेंटेल को वहां से लेके भाग गया कुछ महीने बीते, और अब शेंटेल चार्ल्स के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो चार्ल्स ने सोचा कि हमें इन सब मिस से दूर कहीं यूरोप में भाग जाना चाहिए पैसे तो उसके पास थे ही तो वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके शेंटेल के साथ यूरोप भाग गया पर उधर भी पुलिस को चार्ल्स सोबराज के बारे में पता चल चुका था तो ये सोचते हुए कि मैं अपनी बीवी को कहाँ सेफ रखूंगा अपने बच्चे को कहाँ सेफ रखूंगा उसने जिंदगी में पहली बार इंडिया आने की सोची और नाइनटीन के एंड में वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके पहली बार इंडिया बॉम्बे आ गया जहाँ शेंटेल ने चार्ल्स सोबराज की पहली संतान को जन्म दिया जिसका नाम था उषा पर बाप बनने के बाद और एक बेटी पैदा होने के बाद भी चार्स होबराज का को कोई चैन नहीं था और बॉम्बे में भी वो अपने स्कैम्स गाड़ी चुनाना लोगों को ठगाना ऐसे काम करता ही रहता था बॉम्बे में चार्ल्स का मेन काम था गाड़ी चुराकर उन्हें बेचना वो महंगी महंगी गाड़ी चुराकर उन्हें पाकिस्तान नेपाल और बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भेजकर बिकवाता था और धीरे धीरे इन गाड़ियों के साथ वो ड्रग स्मगलिंग के काम में भी लग गया जिसके साथ उसका वेल्थ का कलेक्शन इमेंसली बढ़ गया था चार्ल्स जिन लोगों से भी डील करता था या फिर जिन भी लोगों से वो बातें करता था वो लिटरली उससे हिप्नोटाइज हो जाते थे एंड उन्हें मोटे पैसे देकर वो उन्हें अपनी डेथ में अपनी मुट्ठी में भर लेता था तो जो भी आदमी चार्ज के साथ काम करता था वो बेसिकली उस पर चीट नहीं कर पाता था ही वॉज गुड लुकिंग एंड ही अ वेरी गुड स्मूथ टॉकर टी थ्री में गाड़ी और ड्रग्स स्मगलिंग के साथ साथ चार्ल्स ने अब वेपन स्मगल करना भी शुरू कर दिया था बट द थिंग दैट कि वेपन्स बॉर्डर से स्मगल करने पे आदमी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो चार्ल्स के कुछ वर्कर्स को जब पता चला कि ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है तो वो थोड़ा डर गए और उन्होंने अनोनमसली चार्ल्स के प्लान की टिप्स पुलिस को दे दी इन होप्स कि पुलिस वर्कर्स को छोड़कर सिर्फ चार्ल्स को पकड़ लेगी और वो सब फ्री हो जाएंगे। सो अगेन चार्ल्स 1973 में जब ये स्मगलिंग का काम कर रहा था तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं होटल अशोका जो कि दिल्ली में है वहाँ से ज्वेलरी चुराऊँगा और पैसे लेकर यूरोप भाग जाऊँगा पर पुलिस को एनोनिमस टिप की वजह से उसके प्लान के बारे में पता था और उन्होंने होटल अशोका पर छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया पकड़े जाने पर चार्ल्स ने पुलिस के सामने तबीयत खराब होने का ढोंग करा और जब पुलिस स्टेशन से उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो बीच में ही कहीं से भाग गया और अपनी वाइफ और बेटी को इंडिया छोड़कर सीधा काबुल अफगानिस्तान चले गया चार्ल्स सोबराज को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी तो काबुल में उसने एक टूरिस्ट गाइड बनकर लोगों को चकमा देने की सोची वो फॉरनर से घुलता मिलता उनसे फ्रेंडशिप करता और कहीं सारी लड़कियों को अपने गुड लुक्स की वजह से फंसाता और फिर उनके खाने में या फिर ड्रिंक में या तो ड्रग्स या फिर स्लीपिंग पिंस मिलाकर उन्हें चकमा देकर रॉब करता और फिर वहां से भाग जाता बट अगेन काबुल की पुलिस भी चार्ल्स के पीछे पड़ गई थी तो वह अफगानिस्तान से भाग कर इस्तानबुल चले गया जहाँ वो अपने स्टेप ब्रदर आंद्रे से मिला इवन दो ही डि नॉट लाइक स्टेप फादर उसके और उसके भाई के रिलेशन काफ़ी सही थे और अपने स्टेप ब्रदर के साथ मिलकर ये दोनों कभी टर्की कभी क्रीज चोरी करते हुए लोगों को उल्लू बनाते हुए थाईलैंड तक पहुंच गए 1975 में थाईलैंड में एक लड़की की बॉडी एक नहर के पास मिली उस लड़की की बॉडी आधी जली हुई थी और उसने बस बिकनी पहनी हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की का गला भी घोटा गया था पर जब पुलिस इस पहले वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी उन्हें अचानक एक और लड़की की बॉडी मिली सेम स्टेट में सेम बर्न के साथ एंड उस लड़की ने भी सिर्फ बिकनी पहनी हुई थी एंड इफ यू पुट टू एंड टू टुगेदर तुम्हें यह पता चल गया होगा कि ये किलिंग और किसी ने नहीं चार्ल्स सोबराज ने ही करी थी एंड थाईलैंड में ऐसी तीन चार बॉडी और मिलने के बाद चार्ल्स सोबराज का नाम मीडिया में बिकनी पड़ गया सी हर आदमी एक स्ट्रेंजर से थोड़ा डरता ही है चार्ल्स सोबराज चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो एक स्ट्रेंजर की बात कोई कभी आसानी से नहीं सुनता तो यू माइट बी वंडरिंग दिस थिंग कि कैसे ये लोगों को अपने वश में करता था हाउ डिड ही मेक देम ट्रस्ट हिम सो ब्लाइंडली वेल एज आई said कि चार्ल सोबराज ही वॉज वेरी स्मार्ट जवानी से ही वो चोरों के गैंग मेंबर्स के बीच में पल रहा था सो ही लर्न इट वेरी क्विक एंड ही वॉज वेरी क्विक witted ऑल्सो तो सबसे पहले तो उसके मेन targets थे लड़कियां. या फिर वो ऐसे लोगों को चुनता था जिन्हें कोई परेशानी हो जिंदगी में तो वो उनकी वो परेशानी सॉल्व करने में हेल्प करता उनका ट्रस्ट गेन करता और फिर उन्हें लूट लेता और अगर उसे कभी कोई ऐसा आदमी मिलता जिसमें पैसा बहुत हो पर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो तो वो खुद उनके लिए परेशानी क्रिएट कर देता था जैसे कि एक बार चार्ल्स ने दो फॉर्मर फ्रेंच पुलिसमैन की मदद करी उनका पासपोर्ट ढूंढने में वो घूम रहे थे और चार्ल्स से कुछ दिनों पहले ही मिले थे पर कुछ दिन बाद वो कंट्री से बाहर नहीं जा पा रहे थे उन्हें ढूंढ कर दे दिए जो चार्ल्स ने उन लोगों से मिलने के पहले दिन ही खुद चुराए थे पर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए इन दोनों पुलिसमैन ने चार्ल्स को अपने होटल में ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट कर और उनकी ड्रिंक्स में ड्रग मिलाकर उन्हें बेहोश कर कर इसने उनका सारा सामान लूट लिया इंक्लूडिंग so और केस में चार्ल्सराज एक टूरिस्ट से थाईलैंड में मिला वो उसका गाइड था पर थाईलैंड में लैंड करने के बाद इस टूरिस्ट की तबीयत काफी रैपिड वे में खराब होने लगी तो चार्ल्स ने रात भर उसके साथ चक्कर कर उसकी हेल्प करी उसे ट्रीट करा उसे खाना खिलाया उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करी और ये टूरिस्ट नेक्स्ट दिन ठीक हो गया पर इस टूरिस्ट को ये चीज़ नहीं पता थी कि चार्ल सोवराज ने खुद उसे बीमार करा था जब पहले दिन वो अपने टूर गाइड से मिला था तो इस गाइड ने उसकी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था ही डिड नॉट नो दैट थिंग पर एंड में तो चार्ल्स हेल्प की वजह से इन सब की नज़रों में अच्छा दिखता ही था एंड फिर वही सेम चीज़ चोरना भागना वहां से और उनका पासपोर्ट ले जाना पर जैसे कि मैंने तुम्हें डेड बॉडीज़ के बारे में बताया चार्ल्स थाईलैंड आकर अपने भाई के साथ स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम करने लगा पैसा चुराना एक बात होती है पर दो लड़कियों की जान लेना उन्हें इतने ब्रूटल वे में मारना दूसरी बात होती है तो इसी के साथ थाईलैंड में रहते हुए चार्ल्स ने अपना एक छोटा सा गैंग बनाया जिसमें उसका भाई तो था ही पर उसके साथ अजय चौधरी जो कि चार्ल्स का राइट हैंड था कॉर्नीलिया हैमकर जो कि चार्ल्स की 1975 में फियोन से थी और शुरुआत में इस गैंग में और तीन लोग भी शामिल थे पर इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए एक और लड़की आई चार ने कैरू चार्ल्स से काफी अट्रैक्टेड थी एंड थिंकिंग कि फ्यन्से के साथ में मैं ये फ्लिंग भी साइड में कर सकता हूँ चार्ल्स ने कैरियो को भी अपने गैंग में शामिल कर दिया पर कैरियो के ज्वाइन होने के बाद चार्ल्स के गैंग के काफ़ी सारे प्लान्स ख़राब होने लगे कभी उनकी चोरी ढंग से नहीं होती तो कभी पुलिस वहां पर टाइम से पहले पहुंच जाती थी तो चार्ल्स ने अपने गैंग की सारी एक्टिविटीज़ को हॉल्ट पर डाल दिया और इस चीज़ पर फोकस करने लगा इन्वेस्टिगेट करने पर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि कैरियो ही पुलिस को सारी इन्फो दे रही थी कैरू अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसको चार्ल्स की गैंग ने ही मारा था तो कैरयू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर को ढूंढने आई थी पर जब उसे पता चला कि वो मर्डर चार्ल्स के गैंग ने किया है तो कैरू ने चार्ल्स के पूरे गैंग को अंदर से खत्म करने की सोची ये इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद सोबराज को डर था कि कहीं पुलिस को ये और डिटेल्स ना बता दे तो चार्ल्स ने कैरयू का गला घोट उसकी मौत कर दी और उसे भी पहले दो लड़कियों की तरह एक तालाब के पास बिकिनी में फेंक दिया इसके बाद 18 दिसंबर 1975 को चार्ज ने चुराए हुए पासपोर्ट यूज करके नेपाल छुपने की सोची पर नेपाल में भी उसे खाना तो था ही उसे सरवाइव तो करना था ही तो नेपाल में भी उसने वापस टूरिस्ट गाइड का, का काम शुरू कर दिया और नेपाल में टूरिस्ट गाइड का, का काम करते हुए चार्ल्स दो फॉरनर से मिला जिनमें से एक अमेरिकन और एक कनेडियन था पहले तो चार्ल्स बस उन दोनों फॉरनर्स के पैसे चुराना चाह रहा था उसने इन दोनों फॉरनर्स को अपने पुराने मेथड के हिसाब से ही ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर दिए पर उनके पैसे चोरी करते वक्त इन दोनों फॉरनर में से एक उठ गया और इस आदमी ने चार्ल्स को उनके पैसे चुराते हुए देख लिया एंड फिर हड़बड़ी में और सच छुपाने के लिए

और उसमें उन्हें नेपाल में मरे हुए दोनों फॉरनर्स का पासपोर्ट मिला जिनकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में उस टाइम पर न्यूज़ में भी आ रहा था एंड पासपोर्ट मिलने पर इन गैंग मेंबर्स को ये कंफर्म हो गया था कि चार्ल्स ने ही इन्हें मारा है बट ये जो सिचुएशन थी ना ये एकदम मूवीज ऐसी थी चार्ल्स के गैंग मेंबर्स को अब ये पता था कि चार्ल्स अब खून भी करने लग गया है खुद से एंड दे डिड नॉट साइन अप फॉर दैट थिंग उन्हें तो बस छोटी मोटी चोरी करनी थी और पैसे घर ले जाने थे सो दीज थ्री मेंबर्स दे डिसाइडेड टू लीव द गैंग पर वो ये चीज सोवराज को सीधा नहीं बोल सकते थे दे हिम जो आदमी लड़कियों का गला दबाकर उन्हें जलाकर मार सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी मार देगा सो दीज थ्री दे देप क्वाइट यहाँ तो right? right? अच्छे पैसे मिलते हैं ना वो इन तीनों को इमोशनली मैनिपलेट करता रहा और जब उसके गैंग मेम्बर से और सहा नहीं गया तो उन्होंने पुलिस को सारी इन्फो दे कर गैंग से भागने की सोची जैसे ही पुलिस को पता चला कि चार्ज थाईलैंड में एक होटल के रूम में छुपा हुआ है तो वो वहाँ बिना टाइम वेस्ट करे पहुँच गए बट टू देर सरप्राइज सोबराज तब तक बहुत दूर भाग चुका था स्पेसिफिकली टू कलकत्ता, जहाँ उसने अपने राइट हैंड के साथ और मर्डर एंड और चोरी करी थाईलैंड से निकलने के बाद 1975 से 1976 तक चाइल्स अपने राइट हैंड चौधरी के साथ कहीं जगह घूमा गोवा रोम इटली और उसने वहां पता नहीं कितने मर्डर करे कहते तो हैं कि कंफर्म केसेस 12 हैं पर न जाने कितने लोग होंगे उस टाइम पे वी विल नेवर नो दिस थिंग पर 1976 में कंट्री से कंट्री भागते हुए उसे फाइनली इंडियन पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर इंडियन पुलिस ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और उसे सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया और तिहाड़ जेल में

चार्ज्स ने बैंकॉक में करे थे बैंकॉक में उसने पाँच लोगों को एक साथ मारा था तो जब वो इंडिया में अरेस्ट हुआ था तो बैंकॉक की गवर्नमेंट ने उसकी कस्टडी मांगी इन पाँच लोगों के मर्डर के केस पर बट एट दैट टाइम ही वॉज इन तिहार तो बैंकॉक की गवर्नमेंट को लगा ठीक है अभी हमारे पास बीस साल है सो बैंकॉक्स गवर्नमेंट दे केम टू एन एग्रीमेंट सो एग्रीमेंट ये था कि दस साल तिहार में सजा काटने के बाद चार्ज को सीधा बैंकॉक भेज दिया जाएगा बट अगेन द क्वेश्चन इज कि जब तिहार में सजा दस साल की थी

कि इस आदमी ने ये मर्डर करा है इज अ फ्री मैन इन बैंकॉक एकदम खुला नॉर्मल नागरिक जैसे रह सकता है वो आदमी फिर बैंकॉक में चार्ल्स का मर्डर बैंकॉक में प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा इजी था See, we're talking about 1976 ओवर है तो पहले चार्ल्स क्या करता था कि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स लेता था उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पासपोर्ट लेकर वो अपनी फोटो काट कर पासपोर्ट पर चिपका देता था तो नाम तो किसी और का होता था पर फोटो उसकी होती थी सो so, ऐसे कई सारे उसने डॉक्यूमेंट फोर्ज करे थे एंड उन पांच लोगों के साथ भी उसने सेम डॉक्यूमेंट फोर्ज करे थे सो इट वॉज वेरी इजी फॉर पुलिस टू प्रूव दिस थिंग कि चार्ल्स ने इन पांचों को मारा है पर अगर वो बीस साल इंडियन जेल में बंद होगा तो पूछताछ कहाँ से होगी सो दैट्स वाई चार्ल्स वांटेड टू स्टे इन तिहार जेल फॉर ट्वेंटी इयर्स। चार्ल्स सोवराज को तिहार जेल में 1976 में डाला गया था और उसके इनिशियल हेयरिंग के हिसाब से 1986 में वो बाहर आ जाता है बाहर आने के बाद एस दिन हो कि उसे सीधा बैंकॉक भेज दिया जाता है तो बैंकॉक ना जाने के लिए चार्ल्स सोवराज ने एक प्लान बनाया सिक्स अप्रैल नाइनटीन अपने जेल से निकलने के कुछ महीने पहले चार्ल्स ने तिहार जेल में अपने बर्थडे की पार्टी देने की सोची आई हैव टूमाइंड दिस थिंग टू यू गाइज कि वो काफ़ी शार्प आदमी था तो इतने टाइम जेल में रहने के बाद उसने ऑलमोस्ट सभी को अपना दोस्त बना लिया था विच इंक्लूडेड जेलर वर्कर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड एज वेल कोई अंदर ज्यादा परेशानी भी नहीं करी थी उसने तो चार्ल्स ने ज्यादा कुछ नहीं पर वहाँ काम करने वाले वर्कर्स के हाथों लड्डू मंगवाए और अपने बर्थडे के लड्डू बांटने से पहले उसने उन लड्डू में हैवी डोसेज में स्लीपिंग पाउडर मिला दिया था सब ने चार्ल्स सोबराज के बर्थडे के लड्डू खाए सब ने उसका बर्थडे मनाया तिहार जेल में हर एक आदमी ने कैदी हो या फिर वर्कर हो हर एक आदमी ने उसके बर्थडे के लड्डू खाए और फिर जब कुछ घंटे बाद रात में उन लड्डुओं का असर हुआ तो चार्ल सोबराज तिहार से अपने कुछ सेलमेट्स को लेकर

उसका पूरे होने के दो साल बाद अगर वो तिहार से 1986 में भी निकल कर भागता रहता है उधर तो कितनी जगह छुपता कहाँ छुपता तो चार्ज ने सोचा कि बेस्ट जगह मोस्ट सेफ जगह कहाँ है मेरे छुपने के लिए दर वो तिहार जेल इंडियन लॉज की वजह से बैंकॉक वाले लोगों से वहां से बाहर भी नहीं निकाल सकते थे और फिर नाइनटीन में जब वो बाहर आया तो उसे वापस फ्रांस भेज दिया गया एज ही अ फ्रेंच सिटीजन अब फ्रांस जाने के बाद उसने एकदम से क्राइम नहीं करा पागल नहीं हुआ तो सात साल तक सोवराज ने कहीं इंटरव्यू करे अपनी लाइफ पर बुक लिखने का लाइसेंस अपनी लाइफ पर मूवी बनाने का लाइसेंस और अपनी लाइफ पे मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाने का लाइसेंस भी भेजना भी शुरू कर दिया इंडियन लोगों ने शायद से उसकी लाइफ पर बेस्ड एक मूवी मैं और चार्ल्स जिसमें रणदीप फूडा है वो भी देखी होगी तो ऐसे ही अपने लाइफ का कॉपीराइट बेचकर उसने कहीं सारे पैसे कमाए और क्योंकि वो अब अपने लेट थर्टीज़ में था तो उसने काइंड ऑफ क्राइम छोड़ दिया था और वो मल्टीपल कंट्रीज़ घूम रहा था इस पॉइंट पर एंड टू में वो वापस नेपाल गया जहाँ एक रिपोर्टर ने उसे देख लिया था और उसकी फ़ोटो चुपके से लेकर उसने अपने न्यूज़पेपर में छाप दी नाउ डू गैस रिमेम्बर जब मैं शुरुआत में तुम्हें चार्ज के क्राइम्स के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि चार्ज नेपाल में दो लोगों को मारा था वेल well, 1975 का वो केस चार्ल्स के पीछे एकदम शैडो जैसे चल रहा था और जैसे ही 2003 में नेपाल की पुलिस ने उसकी फोटो देखी उन्होंने उसे अरेस्ट करा और सीधा जेल कोर्ट में चार्ल्स का काफी लंबा केस चला क्योंकि वो डिनाई करता रहा कि मैंने किसी का भी खून नहीं करा है और मैं तो कभी पहले नेपाल आया ही नहीं था पर आखिर में नेपाल कोर्ट ने चार्ल्स ओब्रास को दो मर्डर केस और पासपोर्ट फोर्स करने के क्राइम में 20 साल की जेल कैद की सज़ा सुनाती सेंटेंसिंग के बाद भी चार्ल्स इस पूरे मर्डर को डिनाई करता रहा एंड वो ये चाहता था कि 20 साल जो उसके जेल में है वो थोड़े कम हो जाए वरना 20 साल तिहाड़ में और 20 साल अब वो अगर यहाँ नेपाल में काटता तो उसकी तो आधी जिंदगी ऐसे चली जाती सो so, उसने अपने लॉयर्स के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स बताई सो दैट दे कुड लोअर कु पनिशमेंट पर इन सब के बीच उससे अपने लॉयर की बेटी निहिता विश्वास से जो कि बीस साल की थी उस समय उससे अपने लॉयर की बेटी से प्यार हो गया और निता को भी 44 साल के चार्ल से प्यार हो गया एंड 2004 में जेल जाने से पहले इन दोनों की शादी हो गई अब सोबराज जेल में बंद और बीवी जेल से बाहर फिर भी वो उससे मिलने जाती रहती थी पर 20 साल बहुत होते हैं वो भी कितना वेट करती तो कुछ साल बाद फाइनली निहिता ने चार्ल्स को छोड़कर किसी और आदमी से नेपाल में ही शादी कर ली थी एंड जब भी मीडिया वाले निहिता से पूछते थे कि तुम्हें ऐसा क्या दिखा उसमें क्यों तुमने इतनी छोटी उम्र में सबसे पहले तो एक क्रिमिनल से पर एक 44 साल के क्रिमिनल से क्यों शादी करी तो नहींता उस पूरी चीज को सीधा डिनाई कर देती थी तो वो हमेशा मीडिया में ये बोलती थी कि क्योंकि मैं उनके इतना पास थी तो लोगों ने मनगणन कहानी बना के हमारी रिलेशनशिप को बढ़ा दिया था और निता हमेशा मीडिया में ये कहती रही कि मैंने तो कभी चार्ल्स से शादी करी ही नहीं इवन दो उसने ट्वेंटी में चार्ल्स को ब्लड डोनेट करा था जब उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी ओ या टॉकिंग अबाउट ओपन हार्ट सर्जरी बाई स में बाहर आना था नेपाल जेल से सो बेसिकली दिस एयर पर पिछले पांच साल से सोबराज की तबीयत को ज्यादा सही नहीं है पहले तो जैसा मैंने कहा कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी इसलिए उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और फिर अभी पिछले पांच साल से उसे काफी सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है तो ट्वेंटी में चार्ज ने कोर्ट में अपील करा कि मुझे मेडिकल रीजन की वजह से एक साल पहले जेल से बाहर छोड़ दिया जाए उसका दोबारा नेपाल जेल के अंदर कोई लफड़ा नहीं था तो नेपाल की गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि ठीक है चार्ल्स सोबराज को एक साल पहले जेल से रिहा कर दिया जाए क्योंकि उसने अपनी सजा काफी काट ली है एंड नाउ आफ्टर सो मैनी मर्डर्स रॉबरी एट द ऑफ 78 चार्ल्स सोबराज एक आजाद आदमी है पर क्या फ़ायदा इस आज़ादी का उसने अपने आधे आज से आधा जिंदगी चार दीवार के बीच में काट दी बट अगेन दैट इज़ फॉर हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड नॉट फॉर मी टू कमेंट ऑन यू नो एंड विद दैट फॉर नाउ चार्ल्स स्वराज का केस यहीं पे ख़त्म होता है बिकॉज दिस गाय इज़ रेस्टलेस मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हुई होगी कि मैंने चार्ल्स चार्ल्सवराज के लुक्स के बारे में उसके गुड लुक्स और उसके चाम के ऊपर मैंने ये वीडियो फोकस नहीं करी इवन दो दो दोज वर्ड लाइक ह्यूज थिंग्स इन एजार्स ने उसने कहीं सारी लड़कियों को अपने लुक्स के थ्रू अपने चाम के थ्रू ही अपने जाल में फंसाया था इट्स ओनली बिकॉज आई फील लाइक कि अगर उस वे में हम चाह सोभराज के बारे में बात करें उससे वीडियो तो काफ़ी वॉचेबल बनेगी आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दिंग बट कहीं ना कहीं वी आर अंडर माइनिंग दफ सच यंग वुमेन जो कि एटलीस्ट मेरी बुक में तो सही नहीं है बढ़िया थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मेरी तिलना होगा इज नो मोर यूपीआई पी आई बैगिंग आई एम सीरियसली सो हैप्पी तुम लोग को ये चीज विश्वास नहीं होगी लेकिन मैंने एक बहुत ही बड़ा पत्थर अपने दिल से हटाया आज वो पार्ट एडिट करने में मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था ऑनेस्ट बढ़िया अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग विद दैट आई होप यप्पी प्लीज कीप योज वेरी क्लोज सी यू एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन बाय बाय